अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं जुलेखा अरफा, जुलेखास किचन से। मैं भी अलग कर्म है और आप लोग की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ चाइनीज कॉम्बिनेशन में राइस और ग्रेवी का। तो चिकन फ्राइड राइस बनाते हैं झटपट से, चिकन गार्लिक सॉस ग्रेवी के साथ। बढ़िया सी मजेदार सी झटपट सी बन जाती है चाइनीज सॉसेस जो आपके पास हाजिर है उनसे। तो चलिए बनाते हैं ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, ये है आधा किलो चिकन बोनलेस। मैंने थाई पोर्शन लिया है, आप ब्रेस्ट पोर्शन भी ले सकते हैं। पीसेस नॉर्मल रखे हैं और चर्बी निकाल के दो तीन पानी से धो के नितारने साइड पर रख दिया था। आप एक प्याली में डाल दीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, एक छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कम या ज्यादा आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं, आधा छोटा चाय का चम्मच रेड चिली सॉस, एक छोटा चाय का चम्मच विनेगर, एक छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भरकर एक अंडा फोड़कर डाल दीजिए, तीन टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर यानी कॉर्नस्टार्च और दो टेबलस्पून मैदा। आप कम या ज्यादा कॉर्नफ्लावर और कॉर्नस्टार्च और मैदा कर सकते हैं। सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मैरिनेट करने आधे पौने या एक घंटे के लिए साइड पर रख दीजिए। आप चाहे तो ढककर फ्रिज में भी रख सकते हैं। चलिए, आधा पौना घंटा हो चुका है तो यहाँ पर मैंने तेल फ्राइंग के लिए रख दिया है। पहले फास्ट आंच पर गरम कर लीजिए, जब गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर वेल कोटेड चिकन के पीसेस इस तरीके से गरम गरम तेल में ड्रॉप करते जाएं। फ्यू एट अ टाइम डालें, सारे एक साथ मत डालें और बैचेस में फ्राई कर लें, उलट पलट करते जाएं। कुछ सेकेंड्स के बाद उसे चलाइएगा। हाँ, तकरीबन उलट पलट करते हुए 5-6 मिनट हो जाएंगे तो चिकन गोल्डन ब्राउन भी हो जाएगी और पूरी तरीके से गल भी जाएगी। इसी तरीके से बैचेस में सारे फ्राई कर लीजिए। ये देखिए, मैंने सारे बना लिए हैं। ये पकौड़े बढ़िया से मज़ेदार से बन गए। आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, मेरे यहाँ तो चलते फिरते ऐसे ही खवा जाएंगे और जब तक आप एंड में देखोगे ना तो थोड़े ही बचेंगे, तो प्लीज़ डोंट माइंड। चलिए, ये मैं इन्हें साइड पर रख देती हूँ। चलिए, सबसे पहले हम ग्रेवी बनाते हैं। ये तीनों टाइप की शिमला मिर्च है, आधी आधी ली है और ऐसा मोटा मोटा काटा, और एक प्याज को मैंने मोटा मोटा काट कर साइड पर रखा है। कढ़ाई में जो तेल पकौड़े तले हैं वही तेल डाल दीजिए। इसमें एक छोटा चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दीजिए और आधा छोटा चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डालकर इसे आधे एक मिनट तक फ्राई कीजिए। चूल्हा मीडियम कर दीजिए। जब फ्राई हो जाए तो ये जो प्याज है मोटी कटी हुई ये भी डाल दीजिए और आधे मिनट तक इसे प्याज को फ्राई कीजिए। जब आधा मिनट हो जाते हैं तो ये तीनों टाइप की शिमला मिर्ची डालकर इन्हें भी फ्राई करें आधे मिनट तक मीडियम आंच पर। चाहे तो चूल्हा स्लो कर दें और 6 छोटे चाय के चम्मच रेड शेजवान चटनी डाल दें या शेजवान सॉस डाल सकते हैं, आधा या एक छोटे चाय का चम्मच सोया सॉस, 2 छोटे चाय के चम्मच रेड चिली सॉस, 1 छोटे चाय का चम्मच विनेगर। सारी चीज़ों को सबसे पहले तो मैं मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद डाल देती हूँ 3 टेबल स्पून टमाटर सॉस, नमक डाल दें स्वाद अनुसार और 1/4 या छोटा चाय का चम्मच या फिर चुटकी भर काली मिर्चों का पाउडर डाल दें। मिक्स कर लीजिए। अगर आपने चूल्हा स्लो पे रखा है तो इसे मीडियम आंच कर दीजिए और 5-6 सेकंड के लिए ही सिर्फ ये सॉसेस को फ्राई कीजिए। ये सब्जियों में कुछ सेकंड्स हो जाए तो इसमें आप चाहें तो 1 कप, आप चाहें तो 1.5 या 1.5 कप जितना पानी डालें, मैंने 1.5 कप डाला और उसमें उबाला जाने दें। साइड पर ये मैंने घोल बना के रखा है। 1 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च को थोड़े से पानी में मिलाकर चलाकर डाल दीजिए। इसमें चूल्हा मीडियम पर है और इसमें एक उबाला जाने दीजिए, चख लीजिए, कुछ कम लगे तो एडजस्ट कर लीजिए। मुझे थोड़ा सा शेजवान चटनी कम लग रही थी तो मैंने डाल दी और जो भी एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने के बाद पकौड़े जो साइड पर रखे हैं वो डाल दीजिए। मिक्स कर लीजिए, हल्की थिक हो जाए और ये जो कॉर्नफ्लावर है ये अच्छा पक जाए, समझिए ना, एक 2-3 मिनट में तो हो जाएगा। तो इसका चूल्हा कर दीजिए बंद और इस पर थोड़े से स्प्रिंग ऑनियंस डाल दें। अच्छा, थोड़े से पकौड़े मैंने साइड पर रखे हैं जो मैं राइस में डालूंगी। चलिए, अब हम राइस बना लेते हैं। ये 3 टाइप की शिमला मिर्च है, आधी आधी है, मैंने बारीक बारीक काटा है। ये पत्ता गोभी है, ये 1/4 कप है, इसे भी बारीक काटा है, इसे साइड पर रख दीजिए। 2 अंडे लीजिए एक प्याले के अंदर, उसमें नमक और काली मिर्चों का पाउडर डालकर मिक्स कर लीजिए और एक पतीली के अंदर थोड़ा तेल डाल दीजिए या फिर आप असली घी भी डाल सकते हैं। मैं असली घी से बघारती हूँ, उससे ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है अंडों में। अब असली घी डालने के बाद ये जो अंडे हैं ये डालकर बार बार एकदम कंटिन्यूस चलाकर इसे एक स्क्रैम्बल एग जैसा स्क्रैम्बल एग्स बना दीजिए इसका, और जब अंडे पक जाए तो इन्हें निकाल कर साइड पर रख दीजिए इस तरीके से। अच्छा, 5-7 पकोड़े थे चिकन के, उससे मैंने जो साइड पर निकाले थे उसके इस तरीके से मैंने पीस कर लिया और इसे भी साइड पर रख देती हूँ।
अब सेम वही अंडे वाली कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए, जिससे हमने पकोड़े फ्राई की थी वही तेल मैंने डाला है। और इसमें डाल दीजिए 2 छोटे चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, से डालकर आधे मिनट तक फ्राई करें, आधे एक मिनट तक फास्ट आंच पर। आधा 1 मिनट हो जाता है तो ये जो सब्जियां हमने बारीक काट कर सारी रखी हैं साइड पर, ये सारी डाल दें और इसे मीडियम आंच कर दीजिए चूल्हे को, और बार बार चलाते रहें। और समझिए ना, सिर्फ आधे मिनट तक ही इसे पकाएं, क्योंकि सब्जियां जो क्रंची होती हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तकरीबन मैं तो कभी कभी ना 10-20 सेकेंड ही पकाती हूँ, वो टोटली आपके ऊपर है। अब यहाँ हम सॉसेस डाल देते हैं। सबसे पहले तो नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, आधा या 1/4 छोटे चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। चूल्हा मैंने स्लो कर दिया है। 1 छोटे चम्मच सोया सॉस, 2 छोटे चम्मच रेड चिली सॉस और 1 छोटे चम्मच विनेगर डालकर मिक्स कर लीजिए। और ये जो पकौड़े हमने काट कर रखे हैं और ये जो अंडे आपने स्क्रैम्बल करके साइड पर रखे हैं, ये भी डालकर कुछ सेकेंड्स के लिए ही इन्हें फ्राई कीजिए। पूरी तरीके से बॉईल करे हुए बासमती चावल डाल दीजिए। ये प्रॉपरली फुल्ली बॉइल्ड है, नमक भी प्रॉपरली डाला हुआ है। वैसे ये 2 कप है पर मैं 1 कप ही डाल रही हूँ इसके अंदर। चूल्हा मीडियम आंच करकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए और अच्छे से टॉस कीजिए। अच्छा मिक्स हो जाए, बीच बीच में ये स्प्रिंग ऑनियंस की जो हरी पत्तियां हैं बारीक कटी हुई वो भी डालें। जब अच्छा मिक्स हो जाए चूल्हे को कर दीजिए बंद, और ये बन गया आपका चिकन फ्राइड राइस, बढ़िया सा मज़ेदार सा। तो चलिए, दोनों डिशेस बन चुकी हैं। सबसे पहले बड़ी सी प्लेट के अंदर मैं डाल रही हूँ चिकन फ्राइड राइस एक हिस्सा, यानी कि एक पोर्शन में, और बाकी का जो साइड का हिस्सा जो मैंने खाली रखा है उसमें मैं ग्रेवी डाल देती हूँ, जो हमने अभी बढ़िया सी मज़ेदार सी बनाई है, चिकन इन हॉट गार्लिक सॉस वाली ग्रेवी। अब मैं इस तरीके से सर्व कर रही हूँ, आप चाहें तो दोनों को अलग अलग इसमें प्याले में या बाउल में निकालें और सर्व करें। वैसे मैंने इसे एज अ कॉम्बो बताया है आपको, तो मैं एज अ कॉम्बो ही इसे सर्व कर रही हूँ। कुछ बढ़िया सी इंडो चाइनीज रेसिपीज मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए चखते हैं, बहुत ही बढ़िया बना है, आप देख सकते हैं। बहुत ही मजेदार बना है, जरूर खाइएगा, बनाइएगा, बनाइएगा खाइएगा, मजेदार है, बढ़िया सा है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसकी लिंक्स भी फॉरवर्ड कीजिएगा, और बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ, फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।